जिनके पुरखे कहते थे हम झूठ न बोलेंगे बाबा, हम लड़के बच्चे वाले हैं, उनकी संतानें कहती हैं सच को क्या हम चाटेंगे, हम लड़के बच्चे वाले हैं। पहले क्या हुआ करता था कि पहले के ज़माने में अगर किसी से कह दिया जाता था कि झूठ बोल दो बच जाओगे, तो वो कहते थे कि अरे मैं लड़के बच्चे वाला हूँ, मैं झूठ कैसे बोल सकता हूँ। वो अपने बच्चों की दुहाई दिया करते थे। लेकिन आज क्या हो गया, आज उसका ठीक विपरीत हो गया है। आज लोग कहते हैं अगर अरे यार लड़के बच्चे वाले हैं झूठ नहीं बोलेंगे तो काम कैसे चलेगा। लोगों की सोच में कितना परिवर्तन आ गया है। हम लोग इतने मूढ़ हैं कि हम बात को समझते ही नहीं हैं। हमेशा ये ध्यान रखिए, जीवन में आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है लेकिन कदापि इच्छाओं की पूर्ति कभी नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती। क्यों? आज आप पे अगर साइकिल है तो अगले दिन मोटरसाइकिल की इच्छा होगी, मोटरसाइकिल आ जाएगी तो फिर आप कार खरीदना चाहेंगे, कार खरीदना मतलब कार भी आ जाएगी तो सोचेंगे कि BMW ले लें, एक अच्छा सा बंगला बनवा दें, कब फिर बहुत सारा धन इकट्ठा कर लें, अपने बच्चों के लिए इकट्ठा कर लें और इकट्ठा कर लें। तो मतलब जो हमारी इच्छा है ना उसकी कभी तृप्ति हो नहीं सकती है। लेकिन हम भी इतने मूर्ख हैं कि हमारे पास धन आ जाता है फिर भी हम सोचते हैं कि चाहे कुकर्म करें चाहे दुष्कर्म करें कुछ भी करें लेकिन धन पे धन इकट्ठा करते चले जाएं। उन मूर्खों को समझना चाहिए कि जो भी हम धन इकट्ठा करते हैं उसको न्यायपूर्वक इकट्ठा करना चाहिए। अभी हाल ही में आपने सुना है शिल्पा शेट्टी का एक पति है राज कुंद्रा, जो क्या करता है कि बहनों को बुलाता है, उन्हें प्रलोभन देता है और उनको बुला करके उनकी अश्लील वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर डालता है। राज कुंद्रा का खुलासा हो चुका है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति होता है ना, जैसे किस शास्त्रकारों ने बड़ा अच्छा लिखा कि बुरे कर्म का भला कभी परिणाम न होगा, पापी जन के लिए कहीं विश्राम न होगा। बुरे कर्म का भला कभी परिणाम नहीं हो सकता है, और पापी लोग कितने दिनों तक बैठे रहेंगे, बैठे रहो एक न एक दिन तो खींचे जाओगे बेटा। दूसरी बात ये हो गई कि इस कोरोना काल में क्या हुआ कि बहुत सी बहनें ऐसी थी जिनकी जॉब छूट गई, लोग असहाय हो गए, तो इन बदमाशों ने क्या किया कि इनका फ़ायदा उठाने के लिए, अब जैसे जिस बहन ने इसका खुलासा किया है, सोना सुमन नाम है उसका, उसको इन्होंने फ़ोन किया और फ़ोन करके क्या कहा कि आपको जॉब की ज़रूरत है और हम एक मतलब वीडियोस बनाते हैं उसमें आप आ सकती हैं, आपका फिगर बड़ा अच्छा है। तो उसने कहा कि कैसे ऑडिएशन दूँ मैं अपना, तो मतलब कोरोना चल रहा है, तो उसने कहा कि आप ऑनलाइन भी हमें दिखा सकती हैं, मतलब दिखा सकती हैं। तो इस तरीके से करके न जाने कितने, वो बहन तो नहीं फंसी, उसने तो इनका खुलासा कर दिया, लेकिन ऐसी न जाने कितनी मासूम बहनें इन बदमाशों के चक्कर में फंस चुकी हैं। समस्या क्या है, देखिए जैसे हमारे पास धन आता है, जैसे रावण था, रावण के पास ज्ञान था, ठीक है ना, तो वो क्या था, अगर वो चाहता, उसके पास इतना ज्ञान था ना, ज्ञान की जो अथाह गहराई होती है वो थी उसके पास, अगर वो चाहता तो वो संसार में बहुत बड़े मिशन पे निकल सकता था, चाहता तो बड़ी बड़ी संस्थाओं का मतलब स्थापना कर देता, बड़े बड़े गुरुकुल चला देता, बड़ा अपना वर्चस्व फैला देता, एक ऋषि का दर्जा प्राप्त कर लेता। लेकिन क्या था, बुद्धि मारी गई थी, तभी तो इतना सब कुछ पढ़ने लिखने के बाद, इतने शास्त्रों का ज्ञान होने के बाद, इतना बड़ा पंडित कहलाने के बाद सीता जैसी स्त्री के, पवित्र स्त्री के पीछे पड़ गया और अपना सर्वनाश कर बैठा। ऐसी प्रकार ये लोग हो गए हैं। आपने भी सोनू सूद के देखा, सोनू सूद ने क्या किया बेचारे ने, कोरोना काल में न जाने कितने लोगों की सहायता किया, कितने असहायों को अपने घर भेजा, कितना उसने मतलब लोगों, कितने लोगों को जिंदगी दी उसने। आज भी लोग उसका नाम ले लेके जो जिनको उसने सहायता दिया वो लोग रोते हैं। क्यों? उसने धन का ठीक प्रयोग किया। जैसे हम पे धन है तो हम चाहें तो किसी अच्छे मिशन पे भी तो निकल सकते हैं धन लेकर के, कि बड़े अच्छे अच्छे गुरुकुलों की स्थापना कर दें, बड़े बड़े अच्छे अच्छे विद्यालयों को, अनाथालय के वृद्धाश्रम खोल दें, हॉस्पिटल खोल दें। लेकिन हमारी बुद्धि मारी गई जी भाई। अगर आप पे पैसे की कमी होती तो मान सकता कि एक बार आदमी सोचता है कि पैसा नहीं है कुछ भी, जैसे वैश्या लोग होती हैं वो लोग अपने आप को वहीं ले जा करके कमाएंगे खाएंगे। लेकिन जिसके पास चार चार फैक्ट्रियाँ चल रही हैं भाई, लाखों का बिजनेस है, अरबों खरबों रुपए हैं, आपकी पत्नी भी बहुत बड़ी अभिनेत्री है वो भी कमाती है, तो फिर भी इतनी घटिया काम करने की क्या ज़रूरत है आपको, क्या ऐसी आवश्यकता पड़ गई कि जो इन कामों में घुस गए आप। कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो जब विनाश काल आता है ना तो बुद्धि विपरीत हो जाती है बेटा, फिर ऐसा ही होता है जैसा आपके साथ हुआ है। शिल्पा शेट्टी ने अपने एक सोशल मीडिया के अकाउंट्स पे लिखा है कि जिन लोगों ने हमें यह चोट पहुंचाई है हम उसकी तरफ गुस्सा की नज़र से देखते हैं। अरे बहन, किसी ने तुम्हें चोट नहीं पहुंचाई है, तुम्हारे कर्म तुम्हें पीट पीट के मार रहे हैं। आज सारी चीज़ों का खुलासा हो तो गया। आप देखो, आप रोज नए नए ग्रुप बनाते थे व्हाट्सएप पे, रोज नई नई बातें चलती थी, सब कुछ तो आ गया सोशल मीडिया के सामने।
अब आपको कौन दुख दिया है? सारे दुख तो आपने अपने आप पैदा किए हैं। आगे उन्होंने लिखा है कि मैंने बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना किया और इसका भी डट करके मैं सामना करूंगी। भाई ये कोई चुनौती नहीं है, आपने अपराध किया आप लोगों ने, और ये बात आपको पता थी। ये मतलब मैं समझता हूँ बड़ी दुख दयनीय बात है कि ये बात आपको भी पहले से पता थी। दूसरी बात ये रही कि आपने ये इसमें लिखा है कि मैं बड़े गर्व से सांस ले रही हूँ और ये वो फलाना ढिमका। तो सांस लेने की बात रही, देखो कुत्ते बिल्ले भी सांस लेते हैं, एक वेश्या होती है वो भी अपना जीवन बड़े आनंद से जी रही होती है, ठीक है। तो अगर आप ये बात कहती हैं कि मैं जीवन जी रही हूँ सांस ले रही थी, ये सब तो अनागल की बात ही है। बड़े दुख की बात ये है कि आपको पता था और आपने कभी उसको रोका नहीं। आप एक माँ हो, एक माँ होने के नाते आपको दर्द समझना चाहिए था भाई, कि आप भी एक, आपकी भी पुत्री है तो उस पुत्री का दर्द तो कम से कम समझना चाहिए। कि जो संसार में जिन लोगों को आप पकड़ रहे हो वो भी तो किसी की बेटियां हैं। दूसरी बात रही फिगर की, तो जो सोना नाम की जिस बहन ने खुलासा किया है सारा कुछ, क्या उससे खराब फिगर है आपका? आप भी जुट जाओ उन्हीं कामों में। जिस बहन ने खुलासा किया, आइए उसकी भी कुछ बातें सुनते हैं। हेलो, मैं सागरिका सोना सुमन, मैं एक मॉडल हूँ। मैं इंडस्ट्री में 3 or 4 years से हूँ और मैंने ज़्यादा काम नहीं किया बिकॉज मैं बहुत चूजी हूँ, लेकिन मैं अभी चल रहा है मेरा। एक्चुअली लॉकडाउन में कुछ ऐसी बातें हुई जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। लॉकडाउन के दौरान मुझे एक कॉल आया था, अगस्त का टाइम था, कनेक्टेड कॉल था और कॉल पे उमेश कामत जी थे। उन्होंने मुझे एक वेब सीरीज़ के लिए ऑफ़र किया जो कि राज कुंद्रा जी उसके ओनर थे, प्रोड्यूसर थे। तो मेरे बार बार पूछने के बाद उन्होंने बताया, मैंने कहा राज कुंद्रा कौन? तो उन्होंने मुझे बताया कि शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप साथ में जुड़ के काम करो, काफ़ी अच्छा रहेगा, आपको कंटिन्यू काम भी मिलता रहेगा और आप काफ़ी आप हाई अप पे चली जाएंगी। तो मैंने कहा ओके आई एम रेडी। तो उन्होंने फिर ऑडिशन के लिए कहा, तो मैंने कहा अभी कोविड का टाइम चल रहा है तो ऑडिशन कैसे ले सकते हैं? तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं मैडम, आप वीडियो कॉल पे मुझे ऑडिशन दे सकते हो। वीडियो कॉल पे जब वो आए तो उन्होंने मुझसे डिमांड किया कि आपका न्यूड ऑडिशन लेना है। तो मैं बहुत शॉक्ड हो गई कि ये न्यूड ऑडिशन, तो मैंने इंटरेस्ट मना कर दिया कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे मैं नहीं कर सकती। तो उसमें 3 लोग थे वीडियो कॉल पे, जिसमें से एक का चेहरा रिवील नहीं हो रहा था, आई थिंक सो वो राज कुंद्रा जी थे। मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि अभी मीडिया में जैसी चीज़ें आ रही है, राज कुंद्रा जी का नाम सामने आया है, मैं बस यही चाहती हूँ जल्द से जल्द उनको अरेस्ट किया जाए और ऐसे रैकेट का पर्दाफाश किया जाए। जो भी हम समाज के लोग हैं, हम सब लोगों को मिलकर के ऐसे दुष्टों की घोर निंदा करनी चाहिए और एक ऐसा कदम उठाना चाहिए जिससे ये आगे में देश में कोई ऐसा करने की दोबारा हिम्मत न रखे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इति ओम सम नमस्ते।